ना खाना भूल जाओ, कुछ भूल जाओ, जो लास्ट के दो स्टेप है ना उन्हें बिल्कुल मत स्किप करना, क्यों तो मेरे फेस पे हो जाते हैं एक्ने, तो मैं अवॉइड करती हूँ। ये है वो है, भाई दूर रहो, स्किप कर दो वीडियो, मत देखो। फेस वॉश करके बस एक हाथ सिरम लगाया एंड दैट्स इट। सिर्फ ये ही चार स्टेप हैं। सनस्क्रीन हमेशा वो सिलेक्ट करो जो कि एस स्किन केयर करते हुए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा स्किन केयर के लिए ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जिनकी फ्रेग्रेंस। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा कि हमारे वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है मेरा डेली स्किन केयर रूटीन। अब इस वीडियो पे ना बहुत सारे ज्ञानी लोग आएंगे, ज्ञान देंगे कि ओहो इतना मेकअप करते हो, इतना सब कुछ लगाते हो, हमें तो लगता था नेचुरल है, ये है वो है। दो टाइप के लोग होंगे जो बोलेंगे कि इतना सारा मेकअप लगाते हो फिर बोलते हो नेचुरल है। उन लोगों के लिए सिर्फ एक बात कि भाई पहले जाओ, जाके सीखो कि मेकअप और स्किन केयर क्या होता है। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि मेकअप क्या होता है और स्किन केयर क्या होता है। अब जो दूसरे कैटेगरी वाले लोग आएंगे ना, वो बोलेंगे कि ओहो इतना सब लगाते हैं, हम तो सिर्फ मुंह धुल लेते हैं उससे ही हो जाता है, ये सब लगाने से कुछ नहीं होता, वो नहीं होता, और सिर्फ मुंह धुल लो वो होता है, स्किन केयर कुछ नहीं होता। भाई उन लोगों के लिए ये है कि ठीक है, आप लोगों का नहीं होता, नहीं होता होगा, मत देखो वीडियो, कोई ज़रूरी नहीं है, स्किप कर दो। बट सबके लिए एक बात है कि यार नेचुरल चीज़ें हमें मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं, जैसी भी मिलती हैं, कोई भी नेचुरल चीज़ है ना उसकी केयर करना मस्ट है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि नेचुरल चीज़ों में हमें नेचर ने दिया है, प्लांट्स दिए हैं, ट्रीज दिए हैं, जिनके हम लोग केयर करते हैं यार वो अच्छे हमें फ्लावर्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, लेकिन जिनके हम केयर नहीं करते, क्या वो हमें फ्रूट्स देते हैं, क्या वो हमें फ्लावर्स देते हैं, क्या वो चलते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, कुछ टाइम चलेंगे और वो एक टाइम पीरियड के बाद ख़राब हो जाएंगे। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हें भी केयर की ज़रूरत है। एंड जैसा आजकल का इन्वायरमेंट हो गया है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, इतनी ज़्यादा डस्ट, स्मोक, व्हीकल्स से जो स्मोक क्रिएट होता है, हमारी स्किन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आजकल हो रही हैं ना, तो एक छोटा मोटा स्किन केयर रूटीन हर किसी का होना चाहिए। मैं सच बताऊँ ना, मैं कुछ भी स्किन केयर नहीं करती थी पर्सनली। ये पिक्चर मेरी तब की है जब मैं कोई स्किन केयर नहीं करती थी और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है ये नेचुरल है, जो एक्ने वगैरह हैं होते हैं, ठीक हो जाते हैं, होते नहीं होते। कुछ लोगों का स्किन टाइप होता है कि उन्हें एक्ने होते ही नहीं है, और अगर होते हैं तो उन एक्नेस का उन पर कोई असर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे जिनकी स्किन एक्ने प्रोन होती है, खैर बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्किन केयर को जितना कॉम्प्लिकेटेड रखोगे उतना ज्यादा खराब है। मेक इट सिंपल। कुछ सबसे पहले होता है कि अपने लिए करेक्ट प्रोडक्ट्स चूज करना, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, आपका स्किन कंसर्न क्या है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करो। जो मेन चीज है ना कि करेक्ट ऑर्डर, चीजों को यूज करने का ना एक करेक्ट ऑर्डर होता है। जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो उनको यूज करने का एक ऑर्डर होता है, उसे अगर आपने मिस कर दिया ना तो हो सकता है कि आपके स्किन पे रिएक्शन हो जाए। तो मैं जो तरीका यूज़ करती हूँ, मैं जो स्टेप्स यूज़ करती हूँ, मैं जो स्टेप में अपना स्किन केयर करती हूँ, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और स्टेप वन है, होता है फेस वॉश करना। अपने फेस वॉश को अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज करो। मैं हमेशा, क्योंकि मेरी स्किन एक्ने प्रोन है, तो मैं कोई भी ऐसा फेस वॉश नहीं यूज करती हूँ जिससे स्किन ब्राइटनिंग या ऐसा कुछ उसमें मेंशन हो। मैं हमेशा ऐसा फेस वॉश यूज करती हूँ जिसमें लिखा होता है कि उसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है, या तो सैलिसिलिक एसिड होगा या फिर AHA BHA वाला एक फेस वॉश मैं यूज करती थी, वो भी बहुत इफेक्टिव था। तो सबसे पहले हम लोग को करना होता है फेस वॉश, उसके बाद आता है टोनर। टोनर ऑप्शनल होता है, कुछ लोग यूज करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, मैं पर्सनली नहीं करती हूँ। कभी कभी अगर मुझे टोनर की जरूरत होती है तो मैं रोज वाटर से टोनिंग करती हूँ अपनी स्किन की, अदरवाइज मैं टोनर यूज नहीं करती। क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा कुछ मतलब लाइक ऐसे खुद से फील किया है कि अगर मैं टोनिंग करती हूँ तो मेरे फेस पे हो जाते हैं एक्ने।
तो मैं अवॉइड करती हूँ। स्टेप है मेरा फेस वॉश के बाद, सेकंड स्टेप है मैं यूज करती हूँ ये स्नेल म्यूसिन, जो कि कॉस आर एक्स का है, एडवांस्ड स्नेल 96 म्यूसिन पावर एसेंस। ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप इसको सही वे में यूज कर रहे हो तब ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है। अगर आप इसे एक सही तरीके से नहीं यूज कर रहे हो ना, तो ये आप पे वर्क नहीं करेगा, सच में नहीं करेगा। क्योंकि इसका ना एक है कि कुछ लोगों का होता है कि हमने स्नेल म्यूसिन यूज करा, हमें ब्रेकआउट हो गए, एक्ने हो गए, ये हो गए। भाई इसको यूज करने का एक तरीका है, आप लोग कभी भी इसे ड्राई स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई मत करो। सब लोग बोलते हैं कि टोनर अप्लाई करो उसके बाद इसको अप्लाई करो, लेकिन मैं टोनर नहीं यूज करती। तो जब मैं फेस वॉश करके आती हूँ तो मैं अपनी स्किन को कम्प्लीटली ड्राई नहीं करती, उसे थोड़ा डैम्प रहने देती हूँ, हल्का सा मतलब मॉइस्चर होता है, उसके बाद मैं इसको अप्लाई करती हूँ, ठीक है। और ये लिटरली आपको एक ग्लास स्किन वाला इफेक्ट प्रोवाइड कराता है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर टू इज सीरम। सीरम आपकी स्किन के लिए आजकल काफ़ी ट्रेंड में है सीरम्स, और आपके स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। और मैं जहाँ तक अपनी पूरी 2 साल की एक्ने जर्नी में देख पाई हूँ, सीरम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। मैं जो यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन एक्ने प्रोन है और एक्ने होने के बाद वही निशान हो जाते हैं, तो मैं जो मॉर्निंग में सीरम यूज़ करती हूँ दैट इज़ नायासियामाइड फ्रॉम डर्माको। ये 10% नायासियामाइड फेस सीरम है, इसमें नायासियामाइड जिंक दोनों हैं, और ये डे और नाइट दोनों के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिन में यूज़ कर सकते हो, रात में यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप कभी भी यूज़ करो। मैं इसको डे में यूज़ करती हूँ, नाइट का मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, नाइट का मेरा वैसे कोई रूटीन है नहीं, फेस वॉश करके बस एक आध सीरम लगाया एंड दैट्स इट। आप लोग सीरम ये नहीं कि आप ये यूज़ करो, आप अपनी स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए कि कौन सा सीरम किस स्किन कंसर्न में काम करता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर चुकी हूँ सीरम्स के बारे में, तो हो सकता है कि मेरी जो वीडियो है शायद आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपके काम आए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अपने फेस को मॉइस्चराइजिंग करना, एंड दैट इज़ मैं यूज़ जो करती हूँ वो ये 2 मॉइस्चराइजर जो मैं करेंटली यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी नहीं, मैं अपनी स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको भी यूज़ करती थी, डॉट एंड की का जो विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर फार्मेसी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं मैं वो यूज़ करती हूँ। करेंटली मैं ये यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ एमोलिन। हालांकि ये ड्राई स्किन के लिए है और मेरी ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, बट मैं इसकी कम क्वांटिटी यूज़ करती हूँ, लेकिन इससे जो मेरी स्किन पे इफ़ेक्ट आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, वो अमेजिंग है, लाइक अमेजिंग। जो पिगमेंटेशन अराउंड लिप्स हो रही थी, जो स्पॉट्स हो रहे थे, जो एक्ने हो रहे थे, उससे इसने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है उसमें इसने। तो मैं यही यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र डे में भी और नाइट में भी। कभी कभी होता है कि हाँ मैं बाहर अगर जा रही हूँ तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसे ऑयल वाला इफेक्ट देता है, क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम डॉट एंड की एंड दिस इज़ फ्रॉम एमोलिन। लास्ट स्टेप, खाना भूल जाओ, कुछ भूल जाओ, जो लास्ट के 2 स्टेप है ना उन्हें बिल्कुल मत स्किप करना, अगर आपको एक अच्छी स्किन चाहिए तो। लास्ट एंड फाइनल स्टेप है, दैट इज़ सनस्क्रीन। और ये सनस्क्रीन आपने मेरी बहुत सारी जो गेट रेडी विद मी वीडियोस हैं उनमें देखी होगी, दिस इज़ माय फेवरेट वन। इसकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। उसके सबसे फाइनल स्टेप जो होता है आपका, वो होता है सनस्क्रीन अप्लाई करना, और दिस इज़ फ्रॉम एक्वालॉजिका ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन। इसमें है पपाया प्लस वाइटामिन सी, दिस इज़ अमेजिंग फॉर मी। मैं इसके अलावा मैं शायद कभी स्विच करने की ना सोचूं किसी और सनस्क्रीन पे, ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। फाइनल स्टेप पे मैं सनस्क्रीन ही यूज़ करती हूँ, 2 फिंगर रूल हमेशा मैं फॉलो करती हूँ। सनस्क्रीन हमेशा वो सेलेक्ट करो जो कि SPF 50+ हो, इसमें SPF 50+ है और PA++ है, UVA UVB प्रोटेक्शन हमें देता है ये सनस्क्रीन। ये ही 4 स्टेप हैं फेस वॉश के बाद जो मैं फॉलो करती हूँ।
स्किन केयर करते हुए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट चूज करें। ये ना देखें कि मार्केट में क्या नया आया है, क्या देखने में अच्छा लग रहा है, किसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है। हमेशा स्किन केयर के लिए ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जिनकी फ्रेग्रेंस हो ही ना, और हो तो बहुत कम हो। आपके स्किन केयर का एक प्रॉपर सीक्वेंस डिफाइंड होना चाहिए कि फेस वॉश करना है, टोनिंग करनी है, सीरम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है एंड देन सनस्क्रीन लगानी है। हार्डली ये 10 मिनट लेगा, सुनने में लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है यार। मुझे नहीं पता आप लोग अपनी स्किन को लेके ऐसे कुछ कंसर्न्स रहते हैं आपके या नहीं रहते हैं। आप लोग अपनी स्किन को लेके थोड़े बहुत भी ऐसे हो कि यार मेरी स्किन अच्छी रहे। मैं बहुत रहती हूँ भाई, मुझे मेरी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार है, लाइक बहुत ज़्यादा वाला। तो ये था मेरा स्किन केयर रूटीन। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन लोगों को लगता है कि मेकअप है, ये है, वो है, भाई दूर रहो, स्किप कर दो, वीडियो मत देखो। और अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, आपको अच्छा लगता है, तो यार प्लीज़ लाइक करके जाया करो। और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय।